learners, today I will teach you odd and even. Even, odd, odd. So odd numbers kya hote hain aur evens kya hote hain? Even numbers are those integers that can be divided by 2. Odds are those integers that cannot be divided by 2. Let's say even numbers. Even numbers. Can be divided by 2. Odd numbers cannot be divided by 2. For example, this is -6. -4, -2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. These kind of numbers like -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9. Even numbers 2 ki table se divided jaate hain. 2 से डिवाइड हो जाते हैं और नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते कितना भी लेंथी नंबर हो जैसे 2 3 5 6 7 8 9 7 3 9 9 9 अगर पीछे 0 है या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता हो जैसे कि 0 हो गया या 1 हो वो 0 हो गया 0 है या 2 है या 4 है या 6 है अगर इस तरीके से कोई भी नंबर जिस जो लास्ट कितना भी लंबा कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो लेकिन अगर लास्ट की कोई एक डिजिट जो लास्ट की डिजिट है अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन अगर लास्ट में कोई ऐसे डिजिट है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है तो ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा और लेकिन अगर इसी नंबर के पीछे कोई ऐसे नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर हमारा नंबर क्या हो जाएगा इवन तो हमें इसे डिवाइड नहीं करना है देख लेना है पीछे जो नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो इवन है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ऑड है ओके अब एक टेबल और मैं आपको बताती हूँ जैसे कि हमारा होता है इवन मल्टीप्लाई इवन तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी इवन में आएगा अगर हम odd into odd करते हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा odd में अगर हम even into odd करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा even उसी तरीके से अगर हम even को even से add करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा even ही आएगा अगर हम odd को odd से ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर इवन है ध्यान देना यहाँ और है यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन और ये एडिशन है और अगर इवन को इवन से करते हैं तो हमारा आंसर और है सॉरी इवन को अगर हम इवन को बाद में इवन को अगर हम और से करते हैं तो हमारा आंसर और आएगा इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं इवन 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 नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 को ही लेते हैं इवन इनटू इवन यानी कि 2 इनटू 2 अगर करेंगे तो हमारा आंसर क्या है 2 तो एक इवन नंबर है और ऑड नंबर क्या होता है हमारा 3 3 को अगर 3 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 9 9 एक ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता इवन एंड ऑड इवन क्या हो गया हमारा 2 और 3 क्या हो गया हमारा और 2 इनटू 3 इक्वल टू 6 ये हमारा क्या है इवन नंबर इवन हमारा आंसर हो जाएगा उसी तरीके से इवन इवन अगर 2 प्लस 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 जो कि इवन नंबर है ऑड 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 3 और 3 6 तो 6 हमारा एक इवन नंबर है तो यहाँ इवन नंबर इवन और ऑड यानी कि इवन क्या हमारा 2 और ऑड क्या हमारा 3 और यहाँ क्या है 5 5 एक ऑड नंबर है जो कि ऑड नंबर तो इस टेबल को याद कर लीजिएगा
even into even, odd into odd is equal to odd, even into odd is equal to even. But plus में थोड़ा सा difference आ जाता है, even even रहता है, odd plus odd even हो जाता है, even plus odd is equal to odd. तो ये ना बहुत ही important chapter है, जो बच्चे confused हो जाते हैं इन चीज़ों में बहुत जल्दी. तो even odd से related इस chapter को बड़े अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से practice कीजिएगा, इससे related questions को practice करना. अगर practice में कोई problem आए, कोई doubt आए, तो please मुझे questions अपने लिखकर कमेंट्स में या ईमेल्स के थ्रू भेजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाती हूं, जल्द से जल्द आपको आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो बनाऊंगी. तो बाय द टाइम कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वाचिंग ऑल द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट द मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू, बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस दैट आई एम गोइंग टू शूट फॉर यू. सो कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड विद मी. थैंक यू सो मच.